सीएम भूपेश बघेल जसपुर और अंबिकापुर के लिए रवाना होने से पहले रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह से ईडी वाले बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि ईडी के लोग ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा तो ये है कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है। वही सीएम ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के नाम से राज्य की उपलब्धि पर विज्ञापन छपा है। साथ ही केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश की राशि जमा करने को लेकर सीएम ने कहा कि राज्यांश की अनिवार्य रूप से राशि जमा करने से राज्य का पैसा जाम हो जाता है। इन राज्यों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। ठाकुर रमन सिंह जी ईडी के मामले में बोल रहे थे जांच पूरी हो गई और लगातार 3-4 दिन से वो सीरीज चलाए हुए हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ शासन को भी पक्षकार बनाया गया। उस याचिका में ईडी ने यह जानकारी दी है कि नान प्रकरण की जांच अभी जारी है। ईडी के प्रवक्ता होने के बाद भी ठाकुर रमन सिंह जी ईडी प्रवक्ता बने हुए हैं, लगता है ईडी का आला अधिकारी ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पर राज्य की जनता के सामने ठाकुर साहब को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी के नाम से अभी तक के प्रधानमंत्री जो भी विज्ञापन आया, केंद्र सरकार को विज्ञापन आता था, पूरे राष्ट्रव्यापी आता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन आया है। नारी शक्ति अब सशक्त, छत्तीसगढ़ में कितने शौचालय बने, कितने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए और जल जीवन मिशन के माध्यम से कितने घर में कनेक्शन मिला छत्तीसगढ़ में, इसके आंकड़े का विज्ञापन आया है। हमने उसके बारे में पत्राचार भी किया है और वित्त मंत्री की जब बैठक हुई थी तब भी हमने कहा है कि वो पैसा आखिर एक निकाल के रख दें, तो भाई मान लो स्वीकृत हुआ तो उसके बाद फिर उसके DPR बनेगा, उसके टेंडर लगेगा, उसके बाद निर्माण होगा, तब भुगतान होगा। वो तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो साल दो साल तीन साल चार साल चलता है और सारे राशि की एक जगह डंप करके रख दो तो उससे न केंद्र का भला होना राज्य का भला होना, और यदि वो खजाने में रहेगा उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा। तो इसका तो हमने कहा कि इसमें संशोधन किया।